गुरुजी का संदेश फैलाने और एनिमेटेड वीडियोस बनाने में हमारा सहयोग करें। ज्वाइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बनें या थैंक्स बटन दबाएं। साखी का हिंदी वर्जन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। एक समय दी गल है, सदना नामक एक व्यक्ति एक पिंड विच रहंदा सी। पिंड विच ही उसकी कसाई दी दुकान सी। सदना रोज अपनी दुकान ते जांदा, बकरे कटदा अते मांस वेचदा सी। इस तरह ओ अपने जीवन दा निर्वाह करदा सी। वीरवार दा दिन सी, सदना शाम दे समय सोच रिया सी, बस थोड़ा ही मांस बचया है, आज ही बेच के चला जावांगा, बच गया ता खराब हो जावेगा, क्योंकि कल जुम्मे दा दिन है, कोई भी मांस लेन नहीं आवेगा, ते अज नवा बकरा कटन दा कोई फायदा नहीं आएगा, जिन्ना मांस बचया है उसनु ही काट देंदा हां। ओ भाई, 1 किलो बकरे दा मांस मेनू दे दियो। एलो भाई, आखरी माल ही बचया है, चलो सारा माल बिक गया, हुन घर चलन दी तैयारी करदा हां। काम समेट के सदना अपने घर नू चला गया। अजय सदना घर पहुंचया ही सी कि उसनू दरवाजा खड़कान दी आवाज आई। इस समय कौन हो सकता है? सदना, सदना दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो सदना। आया भाई, आया। सदना ने दरवाजा खोलिया। असी साहूकार दे आदमी हां, उस दे घर मेहमान आए हुए हन, घर विच मांस पकाना है। असी दुकान ते गए सी पर ओह बंद सी, तो असी सोचिया घर ही चले जांदे हां, खाली हाथ जावांगे ते साहूकार नाराज हो जाएगा। अच्छा, साहूकार ने भेजिया है तुहानू? हां हां, साहूकार ने भेजिया है। पर भाई, जो बकरे अज कटे सी वो तो सारे बिक गए हन, कल सवेरे ही बकरा कटिया जावेगा, फिर ले जाना। नहीं नहीं, साहूकार दा हुक्म है, हुणे मांस चाहिदा है। भाई मेरी मजबूरी नु समझो, तुहानू तो 1-2 किलो चाहिदा है, बाकी बचिया हुआ सारा बकरा परसों बिकेगा, 2 दिना विच ता मांस खराब हो जाएगा, मेरा तो नुकसान हो जाइए, इसलिए मैं मना कर रहा हां, कल सुबह ले जाना, 1 दिन विच बकरा खराब नहीं होवेगा, ता मैं बाकी बचिया हुआ मांस परसों बेच देवांगा। असी साहूकार दे आदमी हां, जे तू मांस नहीं दिता ता ये सारी गल साहूकार नु दस देवांगे, ते फिर तू देखी साहूकार ही अपने आप तेनु देख लेवेगा। ओहो, ऐ की गल हुई, मांस देवां ता फसदा हां, ना देवां ता फसदा हां, बचिया हुआ मांस ता 2 दिन विच खराब हो जावेगा। ठीक है भाई, जेकर तुसी कह रहे हो ता मैं ए जेहा काम करदा हां कि तुहाडा भी काम बन जावे ते मेरा भी नुकसान ना होवे। मैं बकरे दी 1 लत अते ऊपर दा 1 हिस्सा कट के तुहानू दे देवांगा, इस तरिया तुहानू भी मांस मिल जावेगा अते 2 दिन मांस भी खराब नहीं होवेगा। 2 दिनां ते बाद मैं उसनू मार देवांगा। ए सोच के सदने ने छुरा चक्या अते बकरे नू कटन लई अग्गे वध्या। सदने नू देख के पहला ता बकरा खूब हसया अते फिर खूब रोया। ए देख सदना बड़ा ही हैरान होया अते सोचन लगा। ओ भाई बकरे, ए की गल हुई, पहला तू हसन लगा ते फिर रोन लग गया, इस गल दा की कारण है? देखो भाई सदना, बहुत जन्म हो गए, कदे मैं कसाई बंदा हां ते कदे तू बकरा, कदे तू बकरा बंदा है ते मैं कसाई, कदे तू मैनू कटदा है ते कदी मैं तुहानू कटदा हां। सदियां तो ए रीत चली आ रही है, पर जो रीत आज तू शुरू करन जा रहा है ए पहला कदे नहीं होया, इस गल ते मैं हस रहा हां ते मैनू रोना इस गल ते आ रहा है, क्योंकि मेरी लत तू कटन आला है कि तू मैनू 2 दिन तक तड़पा तड़पा के छड़ देवेगा ते 2 दिना बाद मेरे प्राण निकलेंगे, इस गल ते मैनू रोना आ रहा है कि मैनू 2 दिना तक पीड़ा सहन करनी पवेगी। पर भाई सदना, ए याद रखी कि आज जो तू मेरे नाल कर रहा है ओ मैं भी तेरे नाल करांगा, आज तू मेरी लात कटेगा, कल मैं तेरी लात कटांगा, आज मैं तड़प तड़प के मरांगा, कल तू तड़प तड़प के मरूंगा। ए सुनदे ही बकरे नू ना कटन दा संकल्प लेके
सदना शाहूकार दे आदमियां कोल जाके कहन लगा, चाहे हुन साहूकार मैनू मार ही क्यों ना देवे, मैं हुन बकरा नहीं कटांगा, क्योंकि मैनू आज पता लग गया है कि जेहो जेहो कर्म करेंगे ओही फल मिलेंगे, जो बीज बोएंगे ओही वड़ना पवेगा, आज तो बाद मैं कोई बुरा काम नहीं करांगा ते रब दी सच्ची भक्ति करांगा। इस प्रकार एक छोटी जी घटना ने सदना कसाई नू सदना भगत बना दिता अते परमात्मा दी जोत सदने भगत अंदर अजिही जगी कि उन्हां दी बाणी नू श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच स्थान मिलिया। सतनाम श्री वाहिगुरु।